महाराष्ट्र में पानी की किल्लत को देखते हुए और महाराष्ट्र के अगर हम बात करें तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं वहां के रहवासी। उन रहवासियों के लिए यचार कॉलेज के स्टूडेंट ने एक अलग मुहिम छेड़ी है रोटरी क्लब के साथ मिलकर। यचार कॉलेज के तमाम छात्र जो है आज सर पर मटका रखकर जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पानी पीने की पानी की बात करें तो किल्लत काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ वंचित हैं, लेकिन ये एक अभियान है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदर्श ग्राम योजना तो शुरुआत की थी, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के कई ऐसे गांव हैं जो आदर्श गांव के बजाय अगर हम बात करें तो उनको आज भी पानी बिजली ये मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आखिर यचार कॉलेज के बच्चे किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले भाग्यश्री, ये पूरा मुहिम क्या है? तो हम एक कोर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं जिसका नाम है आशाए, जहाँ पर हमने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में वरवंडी जो विलेज है उसे अडॉप्ट किया है, और वहाँ पर हर एक चीज़ जो उन वहाँ पर रहने वाले लोगों को चाहिए उसे पाने में हम उनकी मदद करते हैं। हम उन्हें मतलब डायरेक्टली वो हाथ में नहीं देते हैं, हम उन्हें भी सिखाते हैं कि हम जो कर रहे क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें भी मतलब खुद ही उसे उसका हल मिलकर उसे अपने खुद के गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। वरवंडी में जब आप लोग पहली बार गए थे तो क्या सिचुएशन थी, क्या क्या वहां पर असुविधाएं थी और आज कितना वहां पर सुधार हुआ है? जब हम पहली बार वरवंडी गए थे तभी वहां पर पानी का एक भी बूंद नहीं था, वहां पर लोग तड़प रहे थे पानी के एक ग्लास के लिए, और वहां पर वहाँ की औरतों को सुबह जल्दी उठकर 50 मील दूर चल के ऐसे ही जैसे हम लोग मटकों के साथ सिर पर खड़े हैं वैसे चल के 50 मील तक पानी, फिर वहाँ पर पानी मिलता था, और फिर वो लोग वापस वही 50 मील चलकर वापस अपने परिवार के लिए पानी लाते थे। और अभी हम लोग ने वहाँ पर 7 वेल यानी कुएँ बनाए हैं ताकि वहाँ पर हर एक घर में हर एक गृहस्थी में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको रोज़ पानी मिले ऐसे ही तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे ख्याल कहाँ से आया कि एक गांव को गोद लिया जाए, अडॉप्ट किया जाए ताकि वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं उनको पहुँचाई जाए, ऐसी योजना कहाँ से बनी? ये 5 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र में ड्रॉट चल रहे थे, पानी का नामो निशान नहीं था। तब हमारे रोटरी क्लब ऑफ एचआर कॉलेज के डायरेक्टरों ने सोचा कि क्यों ना हम जो यूथ हैं मुंबई के कुछ करें उन लोगों के लिए। तभी हम लोगों ने सोचा हमको इनका अडॉप्ट करना है लोगों को ताकि उनको पानी मिल सके, बिजली मिल सके और बहुत सुविधाएं मिल सके जो हमको मुंबई में रह करके मिलती हैं बट उनको गांव में रह करके नहीं मिलती हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी, क्या लगता है कि एक तरफ तो सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, अभी भी महाराष्ट्र के जैसे आप लोगों ने अडॉप्ट किया ऐसे ही तमाम और भी संस्थाएँ हैं और भी कॉलेज के बच्चे हैं उन्होंने भी जो है एक गाँव को अडॉप्ट किया है, वजह क्या मानते हैं कब तक लोगों को मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पाती? जो गांव में हम जा रहे हैं उनकी जो देखा जाए वहाँ पे लोग रहते हैं 800 से 1000। गवर्नमेंट के लिए मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो हर गांव में जाकर के काम कर पाएँ, इसलिए हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है छोटे गांव के लिए। और जो भी सुविधाएं मिल रही है, जो भी आप योजनाएं बोल रहे हैं, वो कुछ गांव वाले नहीं हासिल कर पा रहे हैं। वो क्यों, जब हम उनसे पूछते हैं कि अगर गवर्नमेंट आपके लिए इतना काम कर रही है तो आप क्यों नहीं ले पा रहे हो, तो वो हमें बताते हैं कि ये जो भी गवर्नमेंट की योजनाएँ हो रही है वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बनी हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके बीच में कि अगर वो उन चीज़ों उन लोगों के पास वो होए तभी जाकर के वो यूज़ कर पाएंगे उस योजनाएं को, इसलिए वो यूज़ नहीं कर पाते हैं उस योजनाएं को। बिल्कुल, कई बार योजनाएं तो चालू हो जाती हैं, शुरू होती हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब आप लोग पहली बार उस गांव में गए थे तो बच्चों को एजुकेशन के लिए किस तरह से, क्योंकि जब आप गए होंगे तो आपके पास बच्चे और वहाँ के लोग बात करने से भी नहीं पास आते थे, उनको अट्रैक्ट कैसे किया आप लोगों ने? तो जिस गाँव में हम गए तो वहाँ के जो गाँव के जो मुखिया है उनका नाम राजाराम जी है, तो वो जब हम उनको पहली बार मिले हमें भी ऐसा लगा कि वो हमारे साथ ऐसे मतलब मिल बांट कर बात नहीं कर पाएंगे, पर जैसे ही हम गए उन्होंने मतलब हमें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया कि मतलब उनको मतलब उनके लिए हमारे मतलब शहर के लोगों में और गांव के लोगों में ऐसा कोई भेदभाव था ही नहीं। तो जब ही हम आए उनने हमें एकदम अच्छे से ट्रीट किया, फिर हम लोग ऐसे पहले तो 3 दिन के लिए गए थे सिर्फ देखने को आजू बाजू, तो जब हम लोग जैसे ही गए तो उनने हमें सबको सब कुछ सबसे मिल बात कराई, सबसे बातचीत कराई, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ जब ही हम उनसे मिलने गए क्योंकि वो लोग इतने अच्छे लोग थे, भले लोग थे, और वो लोग रुके थे कि उनकी हम लोग कोई आके उनकी सहायता करे इन सब चीज़ों के लिए।
आपसे जानना चाहेंगे, हाथ में होर्डिंग लेकर आज आप लोग मटका मार्च कर रहे हो, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि गांव में जो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती है उसके लिए हमें अपना हाथ बढ़ाना चाहिए, वहाँ पर उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों ने तो मुहिम छेड़ी है, लेकिन अगर हर कोई आगे आएगा तो शायद ये मुहिम आगे तक जाएगी और गांव में पानी की जो किल्लत है वो दूर हो सकेगी। जानना चाहेंगे, एक हाथ में मटका दूसरे हाथ में होर्डिंग, क्या क्या मैसेज देना चाहती हैं समाज को? कि पानी बचाए, क्योंकि जो लोग को ज़रूरत होती है उन लोग को पानी नहीं मिलता, और हम लोग वेस्ट करने से अच्छा सेव वेस्ट मत कीजिए, वही मैसेज देना चाहूँगी मैं। ये मटका लेकर वजह क्या हुई कि मटका लेकर निकलना पड़ा आप लोगों को? क्योंकि आज तो हर तरफ जो है सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने लोगों को जगाने के लिए आशाएं जिस तरह से होर्डिंग लगाकर मटके लेकर निकले हो, क्या कहना चाहोगे? कि पानी बचाओ, और जिसके पास पानी नहीं है उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं कि हर लाइक पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको जितना चाहे उतना बचाना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, क्योंकि पहले भी अभियान चलाया गया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन अगर आप वही पानी फिजूल खर्च करते हो तो जहाँ पर पानी नहीं मिलता है उनसे पूछिए, असली पानी का जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन अगर वही जल लोग पूरी तरीके से दूषित करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भाग्यश्री, अगर बात करें तो उस गांव में जब आप लोग गए थे तो क्या क्या समस्याएं थी? एक तो पानी की समस्या जिसको लेकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हो, और क्या क्या समस्याएँ हैं वहाँ? वहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिलती है, लेकिन दसवीं के बाद क्या करें वहाँ पर उनके लिए उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। फिर वहाँ पर सैनिटेशन मतलब सफाई उतनी नहीं है कि वो लोग रोज़ उन्हें या तो टॉयलेट जाना पड़े, उसके लिए भी उनके बच्चों को खेत में जाना पड़ता है जो उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। फिर वहाँ पर बिजली नहीं है, तो अगर रात को उनके घर करीब 2 किलोमीटर दूरी पर होते हैं, तो अगर किसी को भी उन्हें मदद भी चाहिए किसी और से तो उन्हें 2 किलोमीटर भाग कर जाना पड़ता है। और रात को उन्हें दो चीज़ों का डर है, एक कि उनके बच्चे रात को पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, और दूसरी कि वहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, तो रात को अगर कोई भी उनके घर के पास आ भी जाता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है देखने को। तो हमने वहाँ पर 15 सोलार लाइट बनाकर खुद यहीं पे जो भी है उन्होंने बनाए हैं और वहाँ पर लगवाए हैं, और अभी वो 15 घरों में रात को उन्हें दिखता है। आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सोलर लाइट बनाया वहाँ पर जाके इंस्टॉल कराया? आप जानते हो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी गई आप लोगों द्वारा अब तक? हाँ, सोलर लाइट बनाए गए हैं और हमने वहाँ पे वेल्स बिल्ड किया, क्योंकि जो पानी का जो लेवल है वो ग्राउंड के बहुत नीचे है, तो हमने वेल्स बनाई है ताकि उनको मटका लेके बहुत दूर चलना ना पड़े और वहीं गांव में उन्हें पानी की सुविधा मिल सके। ये जो आशाएं आप लोगों ने अपने मटके पे स्टिकर चिपकाया, इसका मतलब बताएंगे क्या दर्शकों को? आशाएं हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हम गाँव में जाते हैं और वहाँ पे पानी और दूसरी सुविधाएं गाँव में देते हैं। कॉलेज के साथ इस तरह से सामाजिक कॉज को करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कॉलेज और ये दोनों मैनेज करना? हाँ, तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, पर हम अपना टाइम मैनेज करते हैं और हम लोग लाइक रोटरी क्लब से हैं तो हमें कॉलेज से भी काफ़ी सुविधाएं मिलती है ये सब कंडक्ट करने के लिए, और इसीलिए हम लोग दोनों मैनेज कर पाते हैं साथ में, दोनों मैनेज कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के साथ इस तरह से सोशल कॉज में आगे आना, पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट है? पेरेंट्स का सपोर्ट होता ही है, बिकॉज उन्हें भी आजकल की प्रॉब्लम्स का पता हो कि पानी की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं गांव में जाके, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, तो वो उन्हें भी हम पे बहुत दे फील प्राउड, उन लोग को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन कई बार तो ये भी होगा ना कि पढ़ाई के समय में इस तरह से काम करना, मम्मी की डांट, कभी पापा की डांट पड़ती है? वो अभी हम मैनेज कर लेते हैं, रात को लेट सोना पड़ता है पर पढ़ाई करके सोना पड़ता है, पर अगली सुबह जाके किसी की मदद करना उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। कब गए थे आप लोग आखिरी बार? हम लोग फरवरी में गए थे। फरवरी में गए थे। ऐसे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के उस गांव के लिए जहां के लिए आप लोग काम करते हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए किस तरह से सुविधा आप लोग दे रहे हो? हम उन्हें यहाँ के हमारे डायरेक्टर्स उन्हें सिखाते हैं, और उनको जो उनके जो आइडियाज़ है, जो उन लोग बिजनेस चालू करते हैं, हम उनके लिए उनको फंड करते हैं। फंड करते हैं।
आज अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर मटका मार्च कर रहे हो, इससे किस तरह से फंड इंक्रेज होगा, क्या किस तरह से मदद करोगे आप लोग? तो आज हम जो कर रहे हैं उससे बहुत लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी लोगों को पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, तो आज सबको पता चलेगा। तो वो मतलब जो भी हमारी हेल्प करना चाहे वो हमको फंड्स दे सकते हैं, और हमारा ऐसा क्योंकि हमको इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए तो उसमें हेल्प करेंगे। बिल्कुल, पैसा तो किसी भी काम के लिए चाहिए, लेकिन जिस तरह से बच्चों ने एक अलग मुहिम छेड़ी है लोगों को जागरूक करने के, ये चार कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है ताकि महाराष्ट्र के जो गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं वहां के लोगों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब अगर उनको सुविधाएँ नहीं मिलेंगी तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे? आप सबसे जानना चाहेंगे, वजह क्या मानते हैं कि एक युवा होने के नाते आपको होर्डिंग लेकर इस तरह से मार्च करना पड़ रहा है, किस लिए कर रहे हो? मैं एज अ पर्सन मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत हमारे देश में ये एक बन रहा है कि लोगों के विलेजेस में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, तो हम वो सबको दिखाना चाहते हैं कि ये सब है, तो आप भी मीन्स हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, सो इसलिए वैसा। मटका लेके सर पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे कि विलेजेस में भी जो वहाँ की नारी रहती है वो भी ऐसे मटका लेके बहुत किलोमीटर्स चलती है पानी लेने के लिए, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो इतनी सी छोटी बात के लिए कितनी मेहनत करते हैं। क्या क्या समस्याएं होती हैं जब आप लोग वहाँ जाते हो, किस तरह से मैनेज करते हो वहाँ के लोगों के साथ अपने आप को, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, लोगों को समझाना कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो लोग आप लोगों से कन्विंस होते हैं? हाँ, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार रखने चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए। कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आप लोगों ने अलग एक मुहिम छेड़ी है, इसके पहले भी हमने NK कॉलेज से सोर्स किया था, उन लोगों ने भी एक गाँव को अडॉप्ट किया है, ऑलरेडी वो लोग वहाँ पर जो है सभी सुविधाएं पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किस तरह से पहुँचाओगे सुविधाएं, क्योंकि पानी के लिए आप लोग लोगों को जागरूक करने के लिए मटका मार्च कर रहे हो। एजुकेशन की बात करें तो किस तरह से एजुकेशन वहाँ के बच्चों को और वहाँ के युवाओं को दिया जा रहा है? तो हम रोटरैक्ट क्लब ऑफ HR कॉलेज से हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गज़ब महाराष्ट्र, तो हम लोग खुद जाके वहाँ पे उन लेडीज़ और बच्चों को जो 12th और 10th में होते हैं उनको पढ़ाते हैं, और जो उनकी आइडियाज़ हम उनसे लेते हैं और उन्हीं आइडियाज़ को हम बेसिक फंड्स देते हैं, मतलब थोड़ा सा पैसा इनिशियली देते हैं उनको, और वो अपना खुद का बिजनेस गांव में ही चालू करते हैं। फंड कहाँ से आता है, पॉकेट मनी से या लोगों द्वारा कलेक्ट किया जाता है? नहीं, तो हमारी जो कम्युनिटी सर्विस टीम है वो लोग फंड्स कलेक्ट करते हैं थ्रू फंड रेजर्स, तो वो जो पैसा हमें मिलता है, और काफ़ी सारे MNCs जिनका CSR इनिशिएटिव होता है उनसे हमें पैसा मिलता है, और उसी पैसे से हम उन लोगों को वो पैसा देते हैं जिससे वो उनका इनिशियल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रोटरैक्ट क्लब से आप लोग हो, आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को कई बार फाइनेंसर भी मिलते होंगे? आप लोग इस तरह से प्रोग्राम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हो, ऐसे में अगर बात करें तो थोड़े काम में कोई बिजनेस तो होता नहीं कि कम पैसे में हो जाएगा, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता होगा, उसके लिए कितना पैसा आप लोगों ने अब तक वहाँ पर दिया है? हमने अभी तक देखिए करीब 7 वेल कुएं बनाए हैं, एक वेल का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपया है, तो जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समझते हैं गाँव वालों की जो ज़रूरतें क्या होती है, और कभी कभार बेझिझक वो हमें पैसे डोनेट कर लेते हैं, तो अभी तक काफ़ी टाइम ऐसे हुआ है कि हमें बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा है पैसा लाने के लिए, बट हम अपना सारा कोशिश करके, हम जितना कोशिश करते हैं उनके लिए पैसे लाने के लिए। 7 कुएं, 15 सोलर लाइट, और एजुकेशन के लिए क्या कुछ खास हुआ है अब तक? क्या कुछ खास हुआ है, हम जब ही करते हैं तो अभी आप जैसे उन्होंने आपको गज़ा महाराष्ट्र बताया, तो अभी तक हमने एक लेडी ने हमको एक स्टोरी बताई है कि उन्होंने अपना एक कपड़ों का लाइन चालू किया, पहले उनकी फैमिली कुछ खरीद नहीं पाती थी, अभी वो अपनी फैमिली के लिए पैसा लेती है, उनकी शादी हो गई है, उन्होंने अपनी शादी के लिए अपने खुद के बिजनेस से पैसा लाया है, और अभी अपने पति के फैमिली को भी वो अपने बिजनेस से सपोर्ट कर पा रही है। आने वाले समय में आपकी तरफ से, HR कॉलेज की तरफ से आप लोग और कौन कौन से गाँव को इस तरह से जो है सहूलियत प्रदान करेंगे? हम तो देखिए कोशिश कर सकते हैं, जितने भी गाँव हैं हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, अभी के लिए हमारा ये जो गाँव है वो अभी तक फुली डेवलप, या उनको जितने अभी तक काफ़ी उनकी ज़रूरतें पूरी करनी बाकी है, तो जैसे ही हमारा ये गांव पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके
उसी समय हम दूसरे गांव पे चले जाएंगे। कब तक खत्म होगा ये? कितने दिन का प्रोजेक्ट है इस गांव का? ये प्रोजेक्ट देखिए अभी तो 6 साल से चले आ रहा है, तो फिर भगवान की दुआ से अगर हमें सब हम लोग के फंडिंग्स मिल गए तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम एक दूसरा विलेज जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों ने एक अलग मुहिम छेड़ी है और 6 साल से एक गांव को डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से इस गांव को डेवलप करें और वहां के लोगों को जो है शिक्षित बनाएं, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाएं, क्योंकि कहा जाता है कि किल्लत भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि उनको सुविधाएं दी जाए। और अगर हर कोई आज चाहेगा, एक आदमी अगर मदद करना चाहे, एक आदमी की मदद करे, तो शायद कोई भी असहयोग के लिए रह नहीं जाएगा, सबको सहयोग मिलेगा और हर कोई आगे बढ़ेगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।